मुझे भी फ्री फायर में प्रो बनना है, मुझे भी राइ स्टार जैसे वन टैप मारने हैं। तो सर जी, राइ स्टार ने भी वन टैप सीखा था भाई, बाहर के प्लेयर से सीखा था। और अगर आप लोगों को भी वन टैप मारना है तो आप लोगों को भी सीखना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ लौंडे क्या बोलेंगे? भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं सीखेंगे। हम भाई बिना हेडशॉट के बंदा मार देते हैं एक एक गोली में, तुम क्या जानो। अगर मेरे भाई आप लोग भी इसी कैटेगरी के हो तो भाई अभी चले जाओ वीडियो से, आप लोगों की जरूरत नहीं है हमारे चैनल पे। क्योंकि ये जो बंदे हैं जो अपने आप को अखंड पीरो मानते हैं, जब बंदे अपने से कम लेवल के बंदे से पिट के आते हैं ना, तो हमारे पास ही आते हैं राइस्टर की सीक्रेट ट्रिक, हेडशॉट की सीक्रेट ट्रिक सर्च करने के लिए यूट्यूब पे। तो क्यों भाई, पहले क्या हो गया था, पहले क्यों नहीं सर्च किया था ये? और पहले तो भाई तुम लोग अपने आप को प्रो मानते हो। भाई हम तो एक एक गोली में बंदा मार देते हैं बिना हेडशॉट के। गजब बेइज्जती है। अगर तुम लोग अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो मतलब तुम इस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी भाग जाता भाई। मतलब तुम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, तुम लोग सीखना चाहते हो, या सीखना भी नहीं तो एटलीस्ट एक बार देखना जरूर चाहोगे कि मैंने इस वीडियो में क्या ट्रिक बताई है। तो ये जो गेम प्ले चले ना बैकग्राउंड में भाई, ये राइ स्टार की ही है। और देखो वन टैप भी मारता है, हर बार ये हेडशॉट भी मारता है, एम हेड पे लॉक कर देता है। अगर आपको देखना है एम हेड पे कैसे लॉक होता है, उसके तो मैंने ट्रिक बता रखी है पहले अपने चैनल पे। और पता नहीं भाई लोग पिछली वीडियो में आप लोगों को समझ क्यों नहीं आए थे, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई ये वाले वन टैप कैसे लगते हैं। ये वन टैप सिर्फ राइ स्टार ही नहीं, बहुत प्लेयर्स मार सकते हैं हमारे इंडिया रीजन में, आउट ऑफ इंडिया रीजन में बहुत ऐसे प्लेयर है जो ये वाला वन टैप मारते हैं, पर आपको पिछली वीडियो में समझ ही नहीं आई थी वो। तो इस वीडियो में मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, तो एंड तक जरूर से देख लेना। अगर आप उस कैटेगरी के बंदों में नहीं आते हो जो खुद का अखंड पीरो मानते हैं, तो वो वीडियो देखना, वरना आप जा सकते हो भाई। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार ये ट्रिक को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिली जाएगी सबसे ऊपर, नहीं तो आपको आई बटन पे भी दिख ही जाएगा। चलो भाई फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो में तीन ट्रिक बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने दो ट्रिक बताई थी, इसमें मैं तीन ट्रिक बताऊंगा। और राइ स्टार ये तीनों ट्रिक को यूज करता है, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई ये राइ स्टार ये ट्रिक यूज करता है हेडशॉट के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरे भाई जैसे कि मैंने बोला था अपनी पहले के वीडियोस में भी कि हेडशॉट मारने के लिए सबसे पहला ट्रिक होता है ना जो बंदे यूज करते हैं, सबसे पहला ट्रिक यही होता है जो हर कोई यूज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है। आपका जो एम होता है वो आपको हेड के लेवल पे या हेड से थोड़ा सा ऊपर रखना होता है, लेकिन एनिमी के थोड़ा करीब रखना होता है। फिर क्या करना है, फिर आपको स्ट्रेट नीचे खींचना है एनिमी के छाती की ओर, और देन स्ट्रेट ऊपर खींच देना है, तो सीधा आपका हेडशॉट लगेगा। तो मेरे भाई सच बताना, ये ट्रिक आपको कहीं और किसी और चैनल पर देखी थी आपने? ये देखो इस वाले में भी सेम, एम हेड से ऊपर है देन स्ट्रेट नीचे देन स्ट्रेट ऊपर खींच दिया फायर बटन को। देखा, एम हेड से ऊपर रखना है, और बंदे आपको क्या बताएंगे, एम को छाती पे रखना है या फिर एम को छाती से साइड में रखना है, एम को पैरों के नीचे रखना है, लेकिन नहीं, आपको एम को हेड से भी ऊपर रखना है देन स्ट्रेट नीचे छाती की ओर खींचना है देन स्ट्रेट ऊपर खींच देना है, तो आपका सीधा ही हेडशॉट जाएगा भाई, खतरनाक वाला हेडशॉट। और ये सिर्फ वन टैप के लिए नहीं है, आप किसी भी गन से ट्राई करो, MP40 से भी सेम ट्रिक ट्राई करोगे ना तो सेम हेडशॉट भाई जाता है, रेड नंबर, ओनली रेड नंबर हेडशॉट। MP40 का भी सेम ट्रिक, आपको एम को हेडशॉट हेड के ऊपर रखना है देन आपको फायर बटन को छाती की ओर खींचना है देन आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है, फिर जाके आपका रेड नंबर जाएगा भाई। मेरे भाई ये तो हमारी फर्स्ट ट्रिक थी, लेकिन सेकंड ट्रिक क्या है? सेकंड ट्रिक में क्विक वेपन स्विच का इस्तेमाल होता है मेरे भाई, और ये फर्स्ट ट्रिक से बिल्कुल सिमिलर ट्रिक है, और मैंने इसको पिछले वीडियो में बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया है, और वो मैं दोबारा से नहीं करने वाला हूँ इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन, बट मैं इसमें समझा देता हूँ सेकंड ट्रिक क्या है क्या। अगर आपको पूरा एकदम अच्छे से समझना है ना सेकंड ट्रिक को, तो आपको पिछली वीडियो देखनी होगी, आई बटन पे शो हो रहा होगा, ऐसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगी उस वीडियो की। तो मैं बता देता हूँ सेकंड ट्रिक बेसिकली है क्या, कि आपको सेम ट्रिक यूज करनी है, आपको एम हेड के ऊपर रखना है देन स्ट्रेट नीचे चेस्ट की ओर ड्रैग करना है देन स्ट्रेट ऊपर ड्रैग करना है। इसमें कुछ बंदों की फ़ोन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से एम हेड से भी ऊपर चला जाता है भाई, गोली रिकॉइल कर जाती है। उस रिकॉइल से बचने के लिए आपको तुरंत जब आपका लगे एम हेड पे पहुंच गया है तो आपको कुछ अपने स्विच दबा देना है, तो आपकी जो गोली बुलेट जो निकल चुकी है गन से वो हेड पे लॉक हो जाएगा। इस वाले क्लिप में सेम ट्रिक राइ स्टार ने यूज़ किया है, क्विक वेपन स्विच को दबा दिया है, जिससे क्या हुआ गन हाथ से हट गई और एम जो था पहले जो गोली छोड़ी थी उसने वो गोली हेड पे ही लॉक हो गई। अगर और अच्छे से समझना है सेकंड ट्रिक को आपको, तो उसके लिए तो मैंने खुद से करके दिखाया है पिछली वीडियो में, तो वो वीडियो आप देख सकते हो भाई। सेकंड ट्रिक बहुत ही आसान है, आप उस वीडियो को देखो एक बार, अप्लाई करके देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। तो भाई आते हैं अपने थर्ड ट्रिक पे, थर्ड ट्रिक हमारा है क्या, भाई हमारी थर्ड ट्रिक है स्ट्रेट ड्रैग, जिसको स्ट्रेट ड्रैग बोलते हैं। स्ट्रेट ड्रैग का मतलब सीधा सीधा ड्रैग कर देना, और वो ड्रैग करना कैसे है आपको मैंने पहले ही बता रखा है,
अपना एम जो है पैरों के नीचे या फिर बॉडी पे रखना है, देन आपको सीधा ऊपर खींच देना है और हेडशॉट लग जाता है। ये बहुत कम लगता है इसलिए मैं जल्दी प्रेफर नहीं करता हूँ। अधिकतर लोग पहला वाला जो मैंने बताया था आपको, जिसे रोटेशन ड्रैग भी बोलते हैं, उस वाले ट्रिक को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने पहले वाले ट्रिक को सबसे पहले बताया था। स्ट्रेट ड्रैग हर बार नहीं लगता है, स्ट्रेट ड्रैग बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज में ही लगता है, जैसे डेजर्ट ईगल हो गया या फिर स्कार हो गई, बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज में लगता है। ये वन टैप के लिए नहीं है, ये ड्रैग है, और इस ट्रिक से आपके रेड नंबर वाले ड्रैग हेडशॉट जाएंगे ना कि वन टैप जाएंगे। और डेजर्ट ईगल से तो वन टैप जाते हैं, लेकिन स्कार वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं, मतलब रैंक मैच में बहुत फायदेमंद होती है ये स्ट्रेट ड्रैग जिसको बोलते हैं। उसके लिए भी सेपरेटेड वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, लगभग 6-7 मिनट की वीडियो होगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे भी अभी आपको दिखेगा, तो देख लेना, और एंड स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। तो ये वाली ट्रिक जरूर देख लेना, हेडशॉट की दोनों ट्रिक। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा तुमको।